यशोमति मैया के नंदलाला। चोर, चोर मुझे। हम रुक क्यों गए? गोकुल अभी दूर है। नंद भैया, पहिए का किला निकल गया है, कसना पड़ेगो। मुझे
अधम नराधम निशाचरी अभिमानी हो गई थी प्रभु। विष्णु अवतार की हत्या का प्रयत्न किया मैंने। कैसे सोच लिया एक निर्दोष अबोध शिशु को विष पिला दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सब जो भी करते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही करते हैं। तुम भी इसका अपवाद नहीं हो पूतना। आज तुमने जो किया उसका संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से था, जब संसार तुम्हें रत्नमाला के नाम से जानता था। मैं रत्नमाला? हाँ, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। बलि दैत्यों के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली, और मेरे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से वो अमर हुए और पृथ्वी और स्वर्ग के सम्राट बन बैठे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद वो सभी याचकों को उपहार देने लगे। तब मैंने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया, बाह्मन अवतार। रत्नमाला के रूप में जैसे ही तुमने मुझे देखा, उस बालक जैसे अवतार के रूप से तुम भावुक हो गए। तुम्हारा हृदय ममता से भर उठा। अब एक ही अभिलाषा है मेरी, तुम्हें पुत्र रूप में पाना, गोद में खिलाना, अपना दूध पिलाना। तब मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, यदि वरदान था तो मैंने आपको दूध के स्थान पर विष पिलाने का दुष्कर्म क्यों किया? क्रोध के कारण, जो मैंने उस समय तुम्हारे पिता दैत्यराज महाबली के साथ किया था, उसी के कारण तुम क्रोधित हुई थी। उपहार में तीन पग स्थान मांग लिया था मैंने उनसे। किंतु इतने से उपहार से मुझे इतना क्रोध क्यों आया प्रभु? जब राजा बलि ने मेरे वामन अवतार की इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया, तो मैंने विशाल त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया। प्रथम पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में नाप लिया विशाल स्वर्ग, किंतु फिर राजा बलि के पास उपहार में देने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। पर महाबली भी अपने वचन के पक्के थे। तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने मुझे अपना शीश अर्पित कर दिया। मेरे बार से महाबली पाताल लोक जाने पर विवश हो गए। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार के कारण ही तुम्हें क्रोध आया था। दूध पिलाने की कामना थी, पर अब विषपान कराना चाहती हूँ तुम्हें, विषपान। तुम्हारी वो मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। मन ही मन ऐसा वरदान दिया था मैंने तुम्हें, और आज तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं रत्नमाला। भले ही तुम्हारी नियत में विष था, पर तुमने मेरी भूख मिटाने का उपक्रम किया, मुझे अपने बक्ष से लगाया। यही कारण है कि तुम मेरे लिए मेरी मां के समान पूजनीय हो गई हो, और इसीलिए अब से तुम सभी बंधनों से मुक्त हो।
मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ, तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। ओम श्री हरि। एक शंका और है प्रभु, मेरे हाथों इतने सारे निर्दोष शिशुओं की हत्या क्यों हुई? जिन शिशुओं के प्राण तुमने लिए उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में उन्हें अल्पायु ही होना था, यही विधि का विधान था रत्नमाला। प्रभु रक्षा करो प्रभु। वो देखो, ठीक हो? पूतना लल्ला को कोई ढूंढो, कोई लल्ला को लेके यशोदा, लल्ला को ढूंढो, लल्ला को लल्ला को
मुझे क्या होना है मैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नीलमणी, मेरा लल्ला। अब तो मत रो मैया, आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी मैया की गोद में। मैं तुझे दियो वचन पूरा ना कर पाई लल्ला, मैं तेरी सुरक्षा ना कर पाई। संभालो अपने आप को यशोदा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा जीजी। अब बस जीजी, लल्ला मिल गया है। जीजी, लल्ला मिल गया है। काहे घबरा रही हो? मत रो मैया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई तो चुप कराओ इन्हें। रोहिणी ताई जी, अब आप ही संभालो। चुप हो जाओ यशोदा, नहीं तो देखो लल्ला भी रो पड़ेगा तुम्हें देख के। अब भी स्वयं से पहले मेरे आंसू पोंछ रही हो मैया। हे प्रभु नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हमारा नीलमणि सुरक्षित। किंतु जे है कौन जो देवी बनकर आई और दानवी बनकर हमारे लल्ला को ले गई? मैं भी इतनी देर से जय ही सोच रही हूं, जे है कौन? पूतना, तो मंदिर पर मुझे सूचना मिली कि अनेकों गांवों में एक राक्षसी है जो दूध पीते बच्चों को खा रही है। अब तक न जाने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी पिछले कई दिनों में। जैसे मुझे सूचना मिली मैं सबको सतर्क करने आ गया, पर बहुत देर हो गई। मैंने कहा ना मैया, चिंता की आवश्यकता नहीं है, अब वो किसी मैया की गोद नहीं उजाड़ पाएगी। मैं तुम्हें सोचूं इतनी भयानक राक्षसी से हमारा नीलमणि बचा कैसे? पर इसे तो करोज भी ना आई मौसी। वही तो मैं सोचूं, ये हुआ कैसे? कोई साधारण बालक तो ये कर नहीं सकता। सही कह रही है मौसी, अवश्य हमारे लल्ला अद्भुत है। मुझे भी यही लगता है, कुछ तो विशेष है अपने लल्ला में। लो कर लो बात, फिर से वही सब आरंभ हो गया। इनके चक्कर में कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। हाँ, इस घटना से सिद्ध हो गया है, बहुत दिव्य बालक है जे। अब तो मुझे पुकार लगानी ही होगी, बहन योग माया सहायता करो। मैं यही हूँ भैया। मुझे पता था इतनी दिव्य लीला के बाद तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। जो राक्षसी इसे मारने आई थी उसी को मार दिया इसने। वही तो मैं भी सोचूं, कोई तो बात अवश्य है जो सुधा तेरे बालक में। श्री नारायण की कृपा है। यही तो विशेष बात है यशोदा मैया के लल्ला की। श्री नारायण का आशीर्वाद अर्पित है। जी तो वही है जो लल्ला की मालिश के लिए आई थी। भयानक राक्षसी जो मानवों को खा जाती है, उसे एक बालक मार सकतो है भला?
सत्य तो ये है, ये चमत्कार श्री नारायण का है। तुम सबने आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा या नहीं? दिव्य प्रकाश? हाँ, मैंने देखा था। इतना तीव्र प्रकाश था, क्या आंखें चौंध दिया जाए? मुझे तो पहले से ही पता था कि वो अद्भुत प्रकाश इस बात का संकेत था कि नारायण ने ही हमारी सहायता की है। लगता है मैया मान गई। नारायण पर जो भरोसा करते हैं, नारायण सदैव उसकी सहायता करते हैं। नीलमणि की सहायता करने नारायण साक्षात प्रकट हुए। आकाश के मध्य बादलों के बीचों बीच खड़े रहकर उन्होंने इस राक्षसी के प्राण वायु खींच लिए और इसके प्राण हर लिए। तभी तो इसका निर्जीव तन भूमि पर पड़ो है। श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए? यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। यशोमती मैया का नंदलाल, यशोमती मैया का नंदलाल। यशोमती मैया।